आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती, नियमित वाचा स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. मानवाधिकार एवं मीडिया स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. हेस्कॉम ने बिजली के खंभों को बदलने का काम शुरू किया. अंतिम श्रावण सोमवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया. बहुमंजिला पार्किंग 2 साल में बन जाएगी. मार्कंडेय के अध्यक्ष पद पर तानाजी पाटिल और उपाध्यक्ष पद पर आरआई पाटिल का चयन. शाहपुर मार्केट गणेश उत्सव मंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम. श्रावणी सोमवार के अवसर पर कनबर्गी के सिद्धेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़. नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण दौरा. अब समाचार विस्तार से. G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ. इस सम्मेलन में यूक्रेन जैसे जटिल मुद्दे पर सभी सदस्यों के बीच आम सहमति पर चर्चा हो रही है. इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूसरे के साथ विनोदी चर्चा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. हालांकि G20 शिखर सम्मेलन के बाद वियतनाम दौरे पर मीडिया से बात करते हुए जो बाइडेन ने भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है. जो बाइडेन ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा भी शामिल है. हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डाला. हेस्कॉम ने बिजली के खंभों को बदलने का काम शुरू किया. हेस्कॉम ने फिलहाल शहर में बिजली के खंभों को बदलने का अभियान शुरू कर दिया है. इसलिए सोमवार को रामदेव गली समेत शहर के मध्य भाग में बिजली के खंभे बदले गए. हुतात्मा चौक से संयुक्त महाराष्ट्र चौक तक सड़क पर बिजली के खंभे को बदलने का काम चल रहा है. इसके लिए कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. साथ ही व्यापारिक लेन देन भी प्रभावित हुआ. आगामी गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में इन कार्यों का स्वागत किया गया, लेकिन इस कार्य के प्रभावित होने से बाजार का सर्कुलेशन बाधित हो गया. इसलिए व्यवसाय वर्ग ने उक्त मरम्मत कार्य दिए जाने से पूर्व सूचित किए जाने की मांग की. अंतिम श्रावण सोमवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया. श्रावण मास का अंतिम सोमवार होने के कारण आज बेलगाम शहर, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर परिसर भरा रहा. यहाँ के दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में रविवार आधी रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. कपिलेश्वर मंदिर को बिजली की रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया. इसके साथ ही खड़े बाजार शाहपुर से श्री मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, बसवन्ना मंदिर, चावड़ी गली वड़गांव देवस्थान, ओल्ड बेलगाम कलमेश्वर रामलिंगेश्वर मंदिर, रामलिंग खिंड गली में रामलिंग देवस्थान, कैंप में बिस्किट महादेव, सैन्य महादेव मंदिर, तालुका में कणबर्गी कडोरी के साथ विजयनगर में पाइपलाइन रोड पर शिवगिरी कॉलोनी में श्री शिवगिरी महादेव मंदिर, कंगराली आदि गांव के श्री सिद्धेश्वर कलमेश्वर मंदिर में विभिन्न सोमवार धार्मिक कार्यक्रम किए गए. बहुमंजिला पार्किंग 2 साल में बन जाएगी. बापट गली में बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की परियोजना क्रियान्वित की जाएगी. बहुमंजिला पार्किंग स्थल परियोजना जो पिछले कई वर्षों से केवल चर्चा में है, अब अपने रास्ते पर है. सोमवार को भूमि पूजन किया गया. इस परियोजना को 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है. इसके लिए BVG नामक कंपनी को ठेका दिया गया है. इस अवसर पर गणमान्य लोग उपस्थित थे. उक्त परियोजना 2 वर्ष में पूरी कर ली जाएगी. कुल बिल्डिंग 4 मंजिला होगी. इस स्थान पर निचले हिस्से में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ऊपरी हिस्से में वाहनों के लिए पार्किंग की योजना बनाई गई है. कहा गया कि उक्त परियोजना का कार्य समय पर शुरू कर निर्धारित समय के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
मार्कंडेय के अध्यक्ष पद पर तानाजी पाटिल और उपाध्यक्ष पद पर आर आई पाटिल का चयन। मार्कंडेय सहकारी चीनी कारखाने के अध्यक्ष के रूप में तानाजी पाटिल और उपाध्यक्ष के रूप में आर आई पाटिल का चयन हो गया है। तानाजी पाटिल के नेतृत्व वाले किसान रक्षा पैनल ने हाल के कारखाने के चुनाव में जीत हासिल की। फिर सोमवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस अवसर पर निर्देशक मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई दी गई। शाहपुर मार्केट गणेश उत्सव मंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम। शाहपुर के गणेश उत्सव को बेलगाम के गणेश उत्सव में सम्मानीय स्थान प्राप्त है। शाहपुर में मार्केट गणेश उत्सव मंडल ने इस वर्ष 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस मंडल को शाहपुर के महागणपति के नाम से जाना जाता है। मंडल के अध्यक्ष दीपक सुगंधी ने इस वर्ष शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। शनिवार 16 तारीख को भगवान गणेश का आगमन समारोह आयोजित किया जाएगा। सती शतकम महोत्सव का उद्घाटन समारोह 19 मंगलवार को शाम 7 बजे होगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस पृष्ठभूमि में बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष का समारोह आकर्षक होगा। श्रावणी सोमवार के अवसर पर कनबर्गी के सिद्धेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। अंतिम श्रावणी सोमवार समारोह लाखों भक्तों के लिए पूजा स्थल कनबर्गी के श्री सिद्धेश्वर मंदिर में मनाया गया। इस दिन के खास मौके पर देवस्थान समिति ने कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस समय वहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। भक्तों की कतारें लंबी थी। देवस्थान समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। दोपहर में देवस्थान समिति की ओर से महाप्रसाद का वितरण किया गया। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया। श्रावणी सोमवार अवसर पर श्री सिद्धेश्वर के दर्शन के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर देखी गई। उनके वाहन भी काफी देर तक खड़े रहे। नगर निगम आयुक्त ने किया परीक्षण दौरा। नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटे ने आज सुबह हम अलग अलग जगहों पर सफाई कर्मियों की उपस्थिति और कूड़ा उठान ठीक से हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने गए। सुबह सदाशिव नगर स्थित पार्किंग स्थल पर जाकर वाहन स्वामियों की उपस्थिति जांची, वाहनों की जांच की। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर उद्यान का भ्रमण कर साफ सफाई का जायजा लिया और संबंधित को इसे बरकरार रखने के निर्देश दिए। अंबेडकर उद्यान में पानी की टंकी की सफाई की जांची। इसके बाद उन्होंने कोतवाल गली से सब्जी बाजार की साफ सफाई का निरीक्षण किया और नागरिकों को हर समय सुरक्षित उपकरण का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य की महिला एवं बालक कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने आश्वासन दिया कि कंगराली खुर्द गांव में 5 करोड़ रुपए की लागत से कुश्ती अखाड़ा सहित विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। रविवार को कंगराली के एच गांव के ज्योतिनगर में जनलोक सेवा संगठन और जनलोक सेवा सोसाइटी की ओर से बोल रहे थे। राज्य के मंत्री के रूप में मैं जहां भी रहूं ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा काम नहीं रुकेगा। क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। मैं विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश में नंबर वन बनाने का अपना लक्ष्य पूरा करूंगी। ग्रामीण ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुश्री मालगी, उपाध्यक्ष कल्लाप्पा पाटिल, युवराज कदम, सतीश बनबाडकर, टीडी पाटिल, विनोद माचे, गंगाराम कंगरालकर, केम्पन्ना सनदी, मोहन कामले, विनायक राजकोलकर, शिंदे आदि उपस्थित थे। मराठा समाज सुधार बोर्ड द्वारा शताब्दी वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां। मराठा समाज सुधारणा मंडल की वार्षिक बैठक में बोलते हुए अध्यक्ष प्रकाश मरगाले ने बताया कि मराठा समाज सुधार बोर्ड इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज पाटिल, महासचिव जीजी कांदीकर, कोषाध्यक्ष केएल मजदूर और संयुक्त सचिव संग्राम गोडसे थे। श्री ने कहा कि बोर्ड के नए भवन का उद्घाटन करने के अलावा स्मारिका का विमोचन, समाज के सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर समाज में अपने योगदान देने वाले व्यक्ति को सम्मानित करना, शैक्षिक कोष जुटाने सहित अन्य गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएगी। अनीस जिला अध्यक्ष बने प्रोफेसर आनंद मेन्से। जिला अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की बैठक शनिवार 9 तारीख को रामदेव गली स्थित शहीद भगत सिंह हॉल में आयोजित किया गया।
इस बैठक में सेवानिवृत्त प्राचार्य आनंद भैंसे को समिति का जिलाध्यक्ष चुना गया। अन्य के अधिकारी कार्यकर्ता दानकर्ता उनकी संगठनात्मक बैठक हुई। इस समय विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सलाह राम अपटे की मृत्यु से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, इसलिए प्रोफेसर मेन्से को अध्यक्ष चुना गया। उनके विषय में बधाइयां दी गई, फिर उन्होंने मार्गदर्शन किया। निजत के संबंध में सतीश जारकीहोली का कोई विचार नहीं। कांग्रेस को निजत भाजपा गठबंधन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने राय व्यक्त की कि यदि निजत कांग्रेस के विलय के बारे में चर्चा होती है तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस भवन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सरकार का प्रदर्शन दिखाने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। ऐसे विचार सार्वजनिक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने व्यक्त किए। ज्योतिबा मंदिर में तिरुपति अवतार की पूजा। शिव बसव नगर के ज्योतिबा मंदिर में रविवार 10 तारीख को ज्योतिबा देव की पूजा का निर्माण तिरुपति अवतार में हुआ। पुजारी मयूरेश गोडसे और उनके सहयोगी द्वारा आकर्षक पूजा का निर्माण कराया। रविवार सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भीड़ लग गई। रविवार को कीर्तन के आयोजन से लाभ नागरिकों ने लिया। अंकुरम इंग्लिश मीडियम स्कूल में दही हंडी कार्यक्रम। निपानी के कोडनी रोड स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल में गोकुलाष्टमी कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण जन्म के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और दही हंडी का जश्न मनाया गया। प्राचार्य चेतना चौगुले ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। सत्र का संचालन संस्था की समन्वयक अर्पिता कुलकर्णी ने किया। सुलगांव में ब्रह्मलिंग मंदिर का सौंदर्यीकरण पूरा। सुलगांव गांव के युवाओं द्वारा किया गया श्री ब्रह्मलिंग मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो गया है। पिछले 3 साल से गांव में गंदे पानी की निकासी हो रही थी, जिससे गंदा पानी मंदिर के आसपास जमा होकर दुर्गंध पैदा कर रहा था। ग्रामीणों ने बार बार आवाज उठाई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर ध्यान देते हुए गांव के युवाओं ने एक साथ इकट्ठा होकर मंदिर का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया। और जैसा कि ग्राम पंचायत ने गंदे पानी की निकासी के बारे में सलाह दी, ग्राम पंचायत ने गंदे पानी की निकासी के लिए एक अस्थायी सुविधा प्रदान की। इसके बाद नागरिकों से दान की अपील की गई। इस अवसर पर कई लोगों ने स्वस्फूर्त दान दिया। साथ ही मंदिर में एहसान के साथ साथ युवाओं द्वारा श्रमदान से मंदिर परिसर का रंग रोगन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।